रोल ऑफ एग्रीकल्चर इंड डेवेलपमेंट तेरी जब हम बात करते हैं रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट तो वहां पे हम ये डिस्कशन कर कर, सकते हैं अंडर द सब हेडिंग ऑफ प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन फैक्टर कंट्रीब्यूशन मार्केट कंट्रीब्यूशन एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन जब हम मार्केट्स के रेफरेंस में डिस्कस करें तो मार्केट्स में इट इज द डिमांड फ्रॉम द एग्रीकल्चर जो कि आपका मेजर सोर्स होगा फॉर द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स और बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स आपकी क्या इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी प्रॉस्पर भी होगी एंड इट विल बी एबल टू सेल इट्स गुड्स इन मार्केट और खासकर जब आप अर्ली स्टेज द डेवलपमेंट में हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज द मेजर सोर्स फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स और देर इज ऑलवेज अ अम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या आपके पास डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की जो कि इस चीज को हाईलाइट करती हैं कि इफ देर इज अ अगनेट रूरल इकोनोमी

If there are low farm prices, when market prices are low, ma, low farm, market prices of agriculture output is low, So you can say that market prices are good for the industry. But good side ke from its supply side? the supply side, mein, ke cheaper input, cheaper raw material is available from the agricultural sector, or because of the availability of the cheaper inputs from the agricultural sector, the industrial sector can increase its profitability. लेकिन उसके साथ साथ जब हम लो फार्म प्राइसेस की बात करते हैं तो ये लो फार्म आपके पास इंडस्ट्री के लिए इसके बैड इंपैक्ट्स भी आते हैं लेकिन वो बैड इंपैक्ट्स आते हैं आपके पे. लो फार्म दी फार्मर क्यों होगी लो एंड द इंडस्ट्रियल गुड के सप्लाई साइड के लिए तो लो फार्म आर लेकिन जब आप डिमांड साइड ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करोगे तो वहां पे ये जो लो प्राइसेस ऑफ द फार्म लो फार्म प्राइसेस हैं इट हैज अ बैड इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्रियल ऑन द डिमांड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल सेक्टर अब इनफैक्ट होना क्या चाहिए देर शुड बी एन इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कि जब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हो दिस टर्म टर्म्स ऑफ ट्रेड रेफर्स टू प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट रिलेटिव टू प्राइसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट कि यहां पे टू अचीव अ बैलेंस्ड ग्रोथ देर शुड बी एन इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है इट कैन नॉट बी कंस्टेंट नाइदर फ्रॉम सप्लाई साइड नॉर फ्रॉम डिमांड साइड सप्लाई साइड पे कंस्टेंट कब आएंगे व्हेन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट आर वेरी हाई कि जब एग्रीकल्चर आउटपुट की प्राइसेस बड़ी आप कह लें ज्यादा होंगी मार्केट में तो इट रिजल्ट्स इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट हाई प्राइसेज लेकिन जब आप बात करोगे डिमेंड साइड के रेफरेंस में तो ये जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है इट शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट बाई डिमेंड साइड टू लेकिन डिमांड साइडेंट कब आएंगे वेरी लो क्योंकि जब एग्रीकल्चरल आउटपुट की प्राइसेस बहुत कम होंगी मार्केट में तो डिमेंड फॉर द इंडस्ट्रियल आउटपुट विल बी वेरी लो इन द मार्केट फिर इसी पैटर्न पर जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉरन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर तो इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इज द ओनली सोर्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अर्निंग इनफैक्ट जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स होंगी दैट विल बी दैट विल दैट विल कम ओनली फ्रॉम प्राइमरी कमोडिटी फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ द प्राइमरी कमोडिटी और ये जो फॉरेन एक्सचेंज है इट इज इट इज अ सोर्स रिसोर्स जस्ट लाइक सेविंग कि ये बेसिकली आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा टू परचेज द गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड लोकली और उसके साथ साथ इट विल आल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस इट विल आल्सो अनेबल टू गुड्स दैट हैव हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन है लोकल इंडस्ट्री और जब आप इंपोर्ट्स की बात करते हो कि जब फॉरेन एक्सचेंज इज अवेलेबल इंपोर्ट इज पॉसिबल और ये इंपोर्ट पॉसिबल कैसे हुई बाइंग एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट और जब आप यहां पे इंपोर्ट करोगे वो यूजुअली कैरी आउट द इंपोर्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स और जब आप कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट करोगे तो दीज कैपिटल गुड्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एटलीस्ट ड्यूरिंग द द इनिशियल फेज ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ द डेवलपमेंट हां एक जो चीज आप बड़ी आप कह लें कि क्रिटिकल रोल प्ले करेगी कि इफ देर इज अ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरन एक्सचेंज इट रिजल्ट इन द फास्टर ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज और ये जो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द फॉरन एक्सचेंज है ड्यूरिंग इनिशियल फेजेज ऑफ द डेवलपमेंट विल कम फ्रॉम द सरप्लस ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर यहां पे डिफरेंट अगर एक दफा समराइज कर डिस्कशन अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपमेंट अंडर फोर कंट्रीब्यूशन में जब हमने बात की हमने वहां पर बात की एग्रीकल्चर प्रोवाइड सप्लाई फूड टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर जब हमने फैक्ट्री कंट्रीब्यूशन की बात की वहां में हमने डिस्कस किया अबाउट आप कह लें लेबर कंट्रीब्यूशन को एंड कैपिटल एकोमोडेशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड जब हमने मार्केट कंट्रीब्यूशन की बात की तो हमने वहां पे डिस्कस कियाल सेक्टर केम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर जो मेजर पोर्शन ऑफ द डिमांड है फ्रॉम द फॉर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल गोड्स दैट केम फ्रॉम द एग्रीकल्चरल साइड और जब आप फॉरन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो यहां पर भी क्या है इट इज द एग्रीकल्चर दैट Play an important role in the earning of the foreign exchange, or ultimately, that foreign exchange is used to import the goods that are not produced locally. That foreign exchange is used to purchase the capital goods that, that, can, that is used or that can enhance the development at the local, domestic level.